जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि सीटेट को कोर्ट ने ये कहा है कि आप बीएड डिग्री धारकों के सीटेट प्राइमरी का सर्टिफिकेट इशू ना करें, सर्टिफिकेट जारी ना करें। अब इस बात पे बीटीसी और डीएलएड वाले ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि मानो उनके पक्ष में फैसला आ गया, उनको इस बात की इजाज़त मिल गई कि आप बीएड वाले प्राइमरी का फॉर्म नहीं भरेंगे। इतना खुश होने की बात नहीं है। और अगर कोई बीएड का अभ्यर्थी इस बात से दुख हो रहा है कि केस उनके पक्ष में नहीं रहा, वो केस हार गए, तो उनको दुख होने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, बेसिक सा सवाल है। सवाल ये नहीं था बच्चों, ये बिल्कुल इस बात की बात नहीं की गई थी कि बीएड प्राइमरी में सीटेट प्राइमरी में बीएड रहेगा या नहीं रहेगा। ये मामला क्या था, ये सब चीज़ को जानेंगे इस वीडियो में, सब विस्तार पढ़ेंगे। पहले इन खबरों को देखिए, आप जैसे कि देख पाएंगे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स तमाम इससे भरे पड़े हैं कि सीटेट में बीएड वालों को परिणाम जारी करने से हाई कोर्ट रोका, जाने क्या है पूरा मामला। अमर उजाला ने भी इस खबर को छापा है, एनडीटीवी ने इसको छापा है कि सीटेट में बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक, 4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। तो देखो पहले यहाँ पे हम चले इस खबर को पढ़ें, सविस्तार पढ़ें, इससे पहले चीजें समझ जाइए कि ये मामला क्या था। बात यहाँ पे ये थी कि यह बीएड वाले प्राइमरी के टीचर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बीएड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये मामला कोर्ट में था। कहाँ पे कोर्ट में था? ये कोर्ट में था सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे रिसेंटली सीटेट का पेपर हुआ, सीटेट में बीएड वालों ने भी एग्जाम दिया, तो बीएड वालों के प्राइमरी यानी कि 1 से 5 तक के सीटेट सर्टिफिकेट वैलिड होगी कि नहीं होगी, इस बात को लेके एक एडवोकेट है, बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रभावशाली एडवोकेट है, वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तान्या पांडे। तो तान्या पांडे जी ने कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी कि जब मामला न्यायालय के अधीन है तो फिर कैसे बीएड धारकों को ये पात्रता दी जा सकती है कि आप प्राइमरी के टीचर बनने के लायक हैं। तो इसी को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट ने इनको इस बात को मंजूरी कर ली और सीटेट को कहा है कि आप बीएड वालों के प्राइमरी के रिजल्ट जारी ना करें। और ये भी नहीं कि जारी ना करें, अगर कहा कि अगर आप जारी करते हैं तो वह प्रमाण तब तक कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा, यानी कि कोर्ट के फैसले के बाद ही उस प्रमाण का मान्य होगा। बहुत ही बेसिक चीज है, इसमें कोई जीत या हार की बात नहीं है। अब देखिए पूरा मामला क्या है, इसको सविस्तार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे याचिका में केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट में बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका कौन थी, कौन किन्होंने किया था? तो ये एडवोकेट अधिवक्ता तान्या पांडे ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने नेशनल टीचर काउंसलिंग फॉर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। अब देखिए राजस्थान के हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने अपात्र माना है बीएड धारकों को प्राइमरी के लिए, तो सीटेट कैसे इसको अलाउ कर सकता है, इसी बारे में उन्होंने पिटीशन डाली थी। अब आइए इलाहाबाद के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को सीटेट की प्राथमिक स्तर पर 2022 में शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारकों के परिणाम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष याचिका पर आदेश आने के बाद जारी किए जाएं। मतलब सिंपल सी बात है, जारी किए जाएं। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बीएड के पक्ष में फैसला दे दे, बस पक्ष में फैसला दे तो फिर तो मजे ही मजे, फिर जारी होगी, जॉब भी होगी। यहाँ पे अगर परिणाम जारी भी किया जाता है इन केस, अगर मान लो सीटेट ये कहता है कि हमने तो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, हमें बस रिलीज करना है, तो कोर्ट ऐसा नहीं कहता कि आप मत जारी करो। कोर्ट ये भी कहता है कि अगर परिणाम जारी भी किया जाता है तो विशेष याचिका के आदेश के अधीन होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही मान्य होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना नया नहीं है कि बीटीसी वाले खुश हो रहे हैं और बीएड वाले आप अफसोस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिंपल सी ये बात है कि सीटेट से कहा गया है कि आप रिलीज ना करो, और अगर आप रिलीज करते हो तो उस फैसले के बाद इसका मान्य होगा, बस बात खत्म, ठीक है। अब आइए हाई कोर्ट अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रतीक मिश्रा व अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। ये मैं अमर उजाला की खबर पढ़ रहा हूँ, अमर उजाला में छपे इस खबर के मुताबिक। अब आइए थोड़ा सा और यहाँ पे विस्तार पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि याचिका में केंद्रीय पात्रता परीक्षा बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक की मांग की गई है। याचिका में अधिवक्ता तान्या पांडे, ये बहुत ही बड़ी वकील हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने नेशनल टीचर काउंसलिंग फॉर एजुकेशन यानी कि NCT के इस फैसले को रद्द कर दिया, और राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है बीएड वाले, मतलब वहां रीट होता है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि रीट वाले बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, ठीक। तो इसे राजस्थान चुनौती दी गई थी।
राजस्थान हाई कोर्ट के सुनवाई के बाद एनसीटी ने नोटिफिकेशन को रद्द किए कर दिया था। इसके बावजूद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कराई गई केंद्रीय शिक्षा प्रतियोगिता में बीएड नागरिकों को शामिल किया गया था। इनकी मांग ये थी कि जब अभी मामला न्यायालय में है तो फिर क्यों, पहली बात तो इन्होंने ये मांग करी थी ना कि बीएड वालों को सीटेट देने ही ना दिया जाए, मतलब सीटेट प्राइमरी देना बीएड वाले। अब जब बीएड वाले सीटेट प्राइमरी दे दिए फिर इनकी मांग ये है कि इनका रिजल्ट रिलीज ना किया जाए। तो फिर कोर्ट ने यही फैसला किया कि रिलीज मत करिए रिजल्ट, और अगर रिलीज करते भी हैं तो वो हाई कोर्ट के फैसले के सॉरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही लागू होगा। चलिए, पक्षकारों की ओर से जवाब दिया गया कि एनसीटी ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर फैसले को सुरक्षित कर लिया है। याचिका अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाया है। उनका ये मानना है कि रोक नहीं लगाया है, यदि पक्षकार द्वारा बीए डिग्री धारकों के परिणाम जारी किए जाते हैं तो वह कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने वाला होगा। इस पर कोर्ट ने सीबीएसई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक परिणाम न जारी करने का आदेश पारित किया और कहा कि अगर परिणाम जारी किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होगा। तो बस मामला समझ में आ गई। बात इतनी सी बात है कि सीटेट को ये कहा गया कि अभी आप प्राइमरी वालों को रिजल्ट मत दीजिए। चलिए कोई बात नहीं भाई, हमें चाहिए भी नहीं, आप आराम से दीजिए, क्योंकि हमें ये यकीन है, ये भरोसा है कि जो फैसला होगा वो बीएड के पक्ष में होगा। और सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा कि बीएड, अच्छा सुनो, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा ना कि ठीक है बीएड आर एलिजिबल फॉर द प्राइमरी टीचर, सो फिर सीटेट वाले हमें खुशी खुशी पहुँचाएंगे, खुशी खुशी हमें सीटेट के मार्कशीट देंगे प्राइमरी वाले प्राइमरी के लिए, और फिर आप आराम से अपना उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये मामला था, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सिंपल सी मैं कंक्लूड कर दूँ इस सारे वीडियोस को या पूरे मामले को, तो मामला ये था कि बीएड वाले प्राइमरी के टीचर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बात यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कैसे, हाई कोर्ट राजस्थान ने इस फैसले पर रोक लगा दिया था एनसीटी के कि बीएड वाले प्राइमरी के टीचर बनेंगे, इस पर रोक लगा दी। तो एनसीटी वालों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि अब बताइए कि पूरे भारत में, अब केवल एक राज्य की बात नहीं कि पूरे भारत में, कि क्या बीएड वाले वो 1 से 5 तक के प्राइमरी टीचर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बात मांगी गई, कहा गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मामला को रिजर्व रखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने। तो जैसे ही ये फैसला आता है ये क्लियर हो जाएगा कि क्या बीएड वाले प्राइमरी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब इस पे जो अधिवक्ता तानिया पांडे जी हैं उनका ये है कि जब ये मामला न्यायालय में है तो फिर कैसे सीटेट ये बता सकता है कि हाँ बीएड वाले एलिजिबल हैं, मतलब पात्र हैं प्राइमरी टीचर के लिए, मामला तो कोर्ट में है। तो इसीलिए उन्होंने ये पिटीशन दायर करी थी और हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, सीटेट को सुझाव दिया है कि आप बीएड वालों के 1 से 5 तक के जो रिजल्ट होता है उसे जारी ना करें। और ऐसा भी नहीं है कि सख्त रूप से कह दिया कि जारी ना करें, अगर जारी भी करते हैं, अगर सीटेट 1 से 5 तक के लिए अगर रिजल्ट जारी होता है तो वो न्यायालय के अधीन होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट केस चल रहा है उसके मामले के अधीन होगा। बस इतनी सी बात है, तरह घबराने की बात नहीं है, मतलब मेन ये है कि डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। बाकी बीएड वाले तो यही उम्मीद करेंगे कि सीट बीएड के पक्ष में आए, मैं भी ऐसे ही उम्मीद करता हूँ, मैं भी ऐसी दुआ करता हूँ। बाकी आपका क्या राय है, क्या लग रहा है आपको कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का केस चल रहा है उसका फैसला किसके पक्ष में आएगा, आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या इच्छा जिज्ञासा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, बाकी जैसे भी कोई अपडेट आती है बीएड या बीटीसी के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको उसके लिए क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हो सके तो आप इस वीडियो को दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको बताया जाएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और खासतौर पर बीएड वालों से मैं कहता हूँ प्राइमरी की मेहनत जरूर करना, क्योंकि अगर बीएड का पक्ष में फैसला आ गया ना प्राइमरी, तो इतने भर्ती लेना, इतने भरने के सीटेट वाले भी अपनी बीटीसी वाले भी अपनी बीटीसी की मार्कशीट रख के दोबारा बीएड करने के लिए आ जाए। सो बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि बीएड के पक्ष में फैसला आए, नो वरी, टेंशन नहीं लेना। जय हिंद, जय भारत साथियों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत साथियों।